गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस टुडे डियर स्टूडेंट, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। कल हमने क्या डिस्कस किया था? आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट इनकम के अलावा कौन से दूसरे क्राइटेरियाज हैं, और बॉडी मास इंडेक्स के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से कोई आदमी न्यूट्रिशियस है या फिर आपका अंडर न्यूट्रिशियस है या फिर आपका ओवरवेट है, वो हम कैसे निकालते हैं, बीएमआई के बारे में डिस्कस किया था। एंड टुडे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखिए, जैसे हमने जाना था कि एक लाइन हमने हमारी बुक में लिखी हुई है, दैट इज इनकम इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द डेवलपमेंट। यानी कि क्या हुआ, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या कहती है कि सिर्फ इनकम को अगर हम ध्यान में रखेंगे कि इनकम सब कुछ है, सो ये नहीं है। इनकम के अलावा कुछ दूसरी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट या किसी कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट से रिगार्डिंग इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरिया हैं उनको भी रखा जाता है और उनको मेजर करके ये जाना जाता है कि किस कंट्री या किस आदमी या किस नेशन का डेवलपमेंट कितना हुआ है। सो दैट इज, सो इनकम को हम लोग एडिक्वेट नहीं मानते हैं कि सिर्फ इनकम से हम लोग किसी कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हमारे पास अभी नहीं है। हालांकि देखो, वर्ल्ड बैंक जो है हमारे पास वो वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, बट उनका बेस सिर्फ एक ही है आपका, जिसमें आपको बार बार बताया है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ आपका इनकम को लेकर एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें वो इंडेक्स बनाता है। ठीक है, तो हम आज जो बात करेंगे वो इनकम के अलावा दूसरे ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं, व्हाट आर द अदर क्राइटेरिया जो हमें ये बताएं कि भाई ये जो डेवलपमेंट है ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। सो वो ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं, उसके लिए हमारे पास आज हम उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज, जैसे हमारे पास हेल्थ हो गया। देखिए, इनकम के अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को परचेज नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं उनको हम लोग नहीं रोक पाएंगे सिर्फ पैसे की वजह से, तो हेल्थ का स्टेटस क्या है, लोगों का कितने हेल्दी हैं, क्या चीजें हैं, तो हेल्थ को इंक्लूड किया जाता है। जैसे आपने एजुकेशन पढ़ा, जैसे केरला और हरियाणा के आपने लिटरेसी रेट के बारे में जाना था, या फिर आपका उनका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में आपने देखा। तो अगर सिर्फ इनकम की बात कर रहे थे तो हरियाणा सबसे डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड स्टेट नजर आता था, लेकिन अगर हम इन सब क्राइटेरियाज को देखते हैं तो फिर हमें ये बात समझ में आती है कि हरियाणा के अलावा जो केरला है वो उससे ज्यादा डेवलप्ड है, बिकॉज हमने इनकम के अलावा दूसरे जो क्राइटेरिया है उनको हमने देखा है यहाँ पर। गॉट इट? तो सिंपल सी बात है हमें, सो हेल्थ है एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और वहां के लोगों का रहन सहन किस तरह का स्टैंडर्ड है, ठीक है, उनका हाइजीन कैसा है, कैसे वो आपके रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारे पास क्या करती हैं, मैटर करती हैं आपकी। ओके, तो ये हमारे पास हो गए, इन चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है जब हम एक ह्यूमन के डेवलपमेंट की रिपोर्ट निकालते हैं। अब इन सब चीजों को इंक्लूड करके आपका ये अदर ऐसे इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको इन्वॉल्व किया जाता है, और इसको इन्वॉल्व करता है हमारे पास यूएनडीपी। यूएनडीपी हमारे पास, ये हमारे पास यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ये आपकी रिपोर्ट निकालता है जिसमें आपका इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स, हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा, हेल्थ के बारे में जाना, या फिर आपका स्टेटस ऑफ लिविंग के बारे में जाना, या फिर और भी बहुत सारे बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया को इन्वॉल्व करता है आपका, और एक रिपोर्ट निकालता है प्रोड्यूस, इसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड एक इंडेक्स जनरेट करता है जिसमें कंट्रियों को कैटेगराइज किया जाता है, कितने कंट्रियों में से कौन सा कंट्री कितने नंबर पर है, ये हमारे पास निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जनरेट करता है। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज यूजिंग द वेरियस इंडिकेटर्स, इसमें आपका ये इस कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, ये सब किसके आधार पर निकालता है, इट प्रोड्यूस दिस ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज, कंट्रीज को आपस में फिर क्या करता है, कंपेयर करता है। कंपेयर करने के लिए मैंने अगर हम बात करें तो आपकी टेबल इसमें दी हुई है, उस टेबल को आप एक बार स्टडी कीजिएगा, और उसमें ये समझ में आता है अकॉर्डिंग 2018 जो टोटल हमारा कंपैरिजन था वो 189 ऐसे कंट्री हैं जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, रिपोर्ट उनके लिए रिपोर्ट जनरेट की गई है। तो 189 में जो इंडिया का जो स्टेटस आता है अभी हमारे पास, इट इंडिकेट्स रैंक 130, यानी कि 189 में से जो इंडिया का रैंक है वो 130 है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग अभी भी डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनके भी बहुत उनमें हम बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 130 इज नॉट अ वेरी स्मॉल फिगर, यू नो दैट इज, सो इंडिया का रैंक 130 है वहां पर। अब ये क्या इंडिकेटर यूज करता है, जैसे पहला इंडिकेटर क्या आपका हेल्थ सॉरी एजुकेशन लेवल को यूज करता है। एजुकेशन लेवल में मतलब का कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने हैं जो लिटरेट, जिन्हें पढ़ा था लिटरेसी रेट के बारे में आपने जाना था, और
नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में आपने जाना था, ये ऑल सब चीजों के बारे में आपने यहाँ पर जाना था, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में। तो ये इंडिकेटर्स यूज करते हैं हमारे पास इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए, इस इंडेक्स को बनाने के लिए। दूसरा हेल्थ स्टेटस हमारा यूज किया जाता है, हेल्थ स्टेटस में लोग ये देखते हैं आपका कि वहां के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सारी चीजें इसमें क्या की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है। फिर इसके ऊपर नया वर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, देखिए एक नया वर्ड हमारे सामने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या आपका टाइम ऑफ बर्थ हर एक कंट्री के अंदर एक एक्सपेक्ट की जाती है कि एक आम आदमी कितना जीवन जीता है। अब वो एक एवरेज निकालते हैं हमारे पास, तो उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की आपको कंपेयर करके दे रखी है यहाँ पे उस टेबल में, आप देख सकते हैं आपका। तो इंडिया की जो दिखाई हुई 68 के आसपास दिखाई हुई है, इंडिया के अंदर जो लोगों का लाइफ है वो 68 के आसपास एक्सपेक्टेड करते हैं आपका कि एक आदमी जो एवरेज जीता है इंडिया के अंदर 68 आपका लगभग जी रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इन्वॉल्व किया जाता है। अगला हमारे पास है पर कैपिटा इनकम, वो आप पहले पढ़ चुके हैं, पर कैपिटा इनकम को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। यानी कि इनकम हो गया, एजुकेशन स्टेटस हो गया आपका, हेल्थ स्टेटस हो गया, इन सब चीजों को निकालकर एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर एक इंडेक्स बनाया जाता है फ्रॉम द कंट्री 1 टू जितने पार्टिसिपेंट है, 1 to 89 कंट्रीज हमारे पास, उनको पार्टिसिपेट करा के जो कंट्री के जैसा डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक दिया जाता है। तो इसमें मैंने बोल दिया कि इंडिया का जो रैंक आपका 130 के आसपास हमारे पास, 130 है इंडिया का रैंक, राइट। तो ये था हमारे पास, दिस इज ऑल अबाउट दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का हो गया। नाउ नेक्स्ट इज सस्टेनेबल ऑफ द डेवलपमेंट। अब ये सारा डेवलपमेंट हो गया, देखो हम लोग सब डेवलपमेंट के पीछे जा रहे हैं, वी आर बैडली आफ्टर द डेवलपमेंट, बट अब यहाँ पर एक चीज आती है हमारे पास, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या हुआ, आप अपना जो चैप्टर था आपका पहला जो हमने पढ़ा था रिसोर्सेज वाला, आप उसमें आप फोकस कीजिए, उसमें हमने ये जाना था डेवलपमेंट के अंदर, सॉरी उसमें रिसोर्स की सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि हम लोग रिसोर्स को द वे इन विच वी आर यूजिंग एट द प्रेजेंट टाइम, सो इट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज वी यूज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर, जुडिशियस मैनर, सो दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड एट द प्रेजेंट टाइम एंड वी मस्ट लेफ्ट इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो इसमें हम इस तरह से यूज करें कि हमारी अपनी अभी की आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो जाएं और जो हमारे आने वाले जनरेशन है वो भी इसको यूज कर पाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है वो उस तरह की नहीं है, तो हम जो यूज कर रहे हैं हमारे पास जिस तरह से, तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो अब उस लेवल पे हमारे पास पहुंचना चाहिए कि हम लोग इनको प्रेजेंट में यूज कर पाए और फ्यूचर में लोग यूज कर पाए। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखिए क्या चैलेंजेस हैं, मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। एक तरफ तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को यूज करना चाहिए, रिसोर्स को जुडिशियस यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उस रिसोर्स का कंजप्शन होगा ही होगा। ये चैलेंजेस है हमारे सामने कि डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, जो हम डेवलपमेंट बनाते हैं, मान लो हमें फैक्ट्रीज बनानी है तो डैम्स के इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, या फिर हमें थर्मल पावर स्टेशन बनाने पड़ेंगे, या फिर हमें दूसरे सिस्टम्स को क्या बोलते हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट को हमें हटाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं कि डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली बात है उसको क्या चाहिए, आपका रिसोर्स का कंजप्शन होगा। आपका अगर डेवलपमेंट करेंगे तो कंजप्शन ऑफ द रिसोर्सेज होना ही होना है, यानी कि आप रिसोर्सेज का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो आपका कोयला चाहिएगा, आपका पेट्रोलियम को चाहिएगा, ज्यादा ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन आप बनाएंगे तो उसमें आपका जो आपका पेट्रोलियम है वो ज्यादा यूज होगा। तो जब ज्यादा यूज होगा तुम्हारे पास तो सिंपल सी बात है हमारे पास तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो हमारा नहीं हो पाएगा। जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारे पास डिमांड है वो तो हमें चाहिए। अगर वो डिमांड हमारे पास पूरी नहीं होती है तो ऑब्वियसली बात है फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से जो डेवलपमेंट है उसको भी कंटिन्यू बनाए रखा जाए और जो हमारा कंजप्शन लेवल है वो भी हमारे पास कम किया जाए। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंट्रोवर्सी हो गई आपस में, गॉट इट, देन लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब इससे होगा क्या, जैसे मैंने आपको बोला अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें रिसोर्सेज की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स की डिमांड बढ़ेगी तो रिसोर्स का कंजप्शन ज्यादा होगा, फिर हम तो उसका सस्टेनेबल नहीं कर पाते हैं आपका, क्योंकि डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए तो रिसोर्स का कंजप्शन होना ही होना है। कंजप्शन बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका एक्सट्रैक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि उसको ज्यादा ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे आपका निकालेंगे, और उससे हमारे पास जो आपका थोड़े टाइम के बाद हमारे पास क्या होगा उसका जो यूज है या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए डेवलपमेंट भी हो और हमारा रिसोर्स जो है आपका वो भी बना रहे, तो कुछ ऐसा तीसरा तरीका हमें निकालना चाहिए
और इसी चीज को क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो डेवलपमेंट है वो भी जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जो रिसोर्सेज को बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, अंधाधुंध का यूज किया जा रहा है, विदाउट वाइजनेस, बिना सोचे समझे का यूज किया जा रहा है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं आपका, ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के लिए ग्राउंड वाटर हमने लिया हुआ है, ग्राउंड वाटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल धीरे धीरे, जो ग्राउंड वाटर जो टेबल है हमारे पास, धीरे धीरे करके काफी डाउन चली जा रही है आपका। ठीक है, पहले जो था आपका, आप कोई भी जो ग्राउंड वाटर था हमारे पास 50 फीट पे था, 100 फीट पे था, अब धीरे धीरे करके 300, 350 या उससे भी नीचे हमारे पास ग्राउंड वाटर चला गया। अभी देखिए, वाटर जो हमारे पास होता है डेफिनेटली एक रिसाइकलेबल होता है आपका, बारिश होती है हम लोग यूज करते हैं पानी को, अंडरग्राउंड से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ये वेपर होता है, फिर से वापस, यानी वाटर साइकिल आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि जितना लेवल पे ये रिचार्ज होता है उससे कहीं ज्यादा लेवल पे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे करके जो वाटर टेबल है वो काफी नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर का एग्जांपल है कि भाई वाटर लेवल आपका काफी नीचे जा रहा है, और इस वजह से धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि पानी ही खत्म हो जाए, अंडरग्राउंड वाटर ही हमारे पास ना रहे, राइट। तो इसीलिए इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करना जरूरी है। देन क्रूड ऑयल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, अगर हम देखिए सिंपल सी बात है, अपना डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हमारे पास यूज कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेशन में है हमारे पास, एक दिन ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगा, कोई भी रिसोर्स हमने जाना वो 10-20 साल तक चलता है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास वो रिसोर्स हमारे पास नहीं बचता है। तो ये हमारी एक समस्या है जिसको हमें सॉल्व करना है थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम कुछ ऐसे तरीके निकालें जिसकी वजह से क्या हो कि हमारे रिसोर्सेज बने रहें और हम उनको कंटिन्यूअसली यूज कर सकें। सो एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे दी हुई है, अगर आपकी बुक में यहाँ पर देखिए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, मतलब ये हुआ जो हमें ये अर्थ मिला है ये हमें हमारे पूर्वजों ने गिफ्ट नहीं दिया है। ठीक है, देन वॉट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसको हमने उधार लिया हुआ है आने वाली जनरेशन के से, अपने बच्चों से, क्योंकि हमें भी, हमने भी अपने पेरेंट्स को उधार दिया था, उन्होंने हमें उधार दे दिया, और हम लोग अब आने वाले, अब तो हमारे बच्चों को ये चीज उधार देंगे। ठीक है, ताकि अब कोई चीज उधार लिया तो वापस लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास, हम इसको यूज कर पा रहे हैं, तो ऐसे हम चाहेंगे कि जिससे हमने उधार लिया है उसको वापस करें और वो भी इसको क्या कर सके, यूज कर सके। सो दिस वॉज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफिशियली। आई होप योर चैप्टर इज गोइंग टू बी क्लोज, आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग अगले जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन जनरेट करता है आपका, UNDP जनरेट करता है, वर्ल्ड बैंक क्या जनरेट करता है आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जनरेट करता है आपका, किसके बेस पे जनरेट करता है आपका, इनकम के आधार पर, तो ये आपको याद रखना है आपका। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन चीजों का क्यों जरूरी है ये हमें अच्छे से समझना है, बिकॉज वी हैव डन इट मेनी टाइम। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चंस इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।